अधीक्षक झांसी जीआरपी के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को मुखबिर की सूचना पर मानिकपुर जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज के नेतृत्व में उप निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गश्त के दौरान सतना छोर की तरफ बैठे दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिनको दौड़ाकर पकड़ा गया। जामा तलाशी में उक्त व्यक्ति के पास से 4 अदद मोबाइल, अर्जुन केशरवानी के पास से रेडमी मोबाइल व 360 रुपए नगद बरामद किए। नाम पता पूछने पर पता चला कि अर्जुन केशरवानी पुत्र अनिल केशरवानी तालाब कसहाई रोड करवी, दूसरा सुरेश पाल पुत्र बाबूलाल निवासी कोल तालाब करवी के रूप में हुई। दोनों का लंबा आपराधिक इतिहास है। अर्जुन केशरवानी के खिलाफ 8 मुकदमे जीआरपी करवी में पंजीकृत हैं। 4 मुकदमों में सजा हो चुकी है और जीआरपी करवी में अर्जुन टॉप 10 की सूची में है। सुरेश पाल के ऊपर 3 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। बुधवार को दोनों अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया है। उम्र करीब 26 साल, गोलहा तालाब कसाई रोड करवी का रहने वाला है और दूसरा सुरेश पाल 25 साल कसाई रोड करवी का पकड़े गए। इसमें से जो अर्जुन केसरवानी काफी सात्विक किस्म का है। ये करीब आरोपी पकड़े गए, कहाँ से पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, क्या क्या इसमें बरामद हुआ? ये आज रात में जो है अर्जुन प्रभारी निरीक्षक हमारे यहाँ दिलीप मिश्रा जी, उनके साथ हम आई हेड कांस्टेबल परवेज खान, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, कांस्टेबल विकास कुमार रात में गश्त में थे। मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार नंबर 2-3 के सतना ही से पकड़ा गया है और इनके पास से 4 अदद मोबाइल और कुछ मुकदमों के रुपए बरामद हुए। साथ ही किस्म के हैं जिसमें देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।